हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे सीटें जो है इंक्रीज हो गई है। अभी आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब पे न्यूज चैनल वाले ऐसे ऐसे लोगों को उठा के ले आते हैं, आई डोंट नो, वो बोलते हैं प्रिडिक्शन ऐसे होता है, मतलब मुझे हंसी आ रही है। वो बोलेंगे कट ऑफ जो है कम जाएगा, पिछले साल से 10 नंबर कम जाएगा, और स्पेक्टर बताएंगे 610 615। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। अगर 595 गया था तो पिछले साल से अगर 10 नंबर कम बोल रहे हो तो 585 बोलो ना। मतलब ऐसे या तो वो फर्स्ट राउंड का प्रिडिक्शन कर देते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। तो आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है काफ़ी कम होने जा रही है, कम होगी, पिछले साल से ज़रूर कम होगी। क्यों कम होगी, कितने सारे सीटें बढ़ गई हैं उस पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ, और एक डाटा एनालिसिस जो पहले किया था उसको रिवाइज किया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर लाइन वाले को मिलेगा फायदा, कट ऑफ होगा और भी कम, और कितने MBBS सीट इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ें हैं इसमें। ये पहले वाली सीट थी, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, अब आपको बता रहा हूँ 525 सीटें, ये 3500 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, जो पुराने कॉलेज में बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर की 165 सीटें, न्यू एम 450 के, मैं मान के चल रहा हूँ 450 नहीं 300 तो आ ही जाएगा, 450 क्यों, दो नए एम्स खुल रहे हैं, 50-50 उसमें सीटें होगी, ठीक है। पुराने एम्स, पांच एम्स, पुराने एम्स जिसमें 50-50 सीट थे उसमें 50-50 सीटें और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 250, और नए कॉलेज के 100-350, और 100 जो सीटें EWS के लिए बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये 450 जो है सीटें न्यू एम्स में आने वाली है। न्यू AI के कॉलेज में 200 सीटें मैं मान कर चल रहा हूँ कि आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसका मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसे सारे कुछ हो जाता है तो मैं लेकर चल रहा हूँ 1340 सीटें इस साल बढ़ जाएगी, जो सबसे ज़्यादा होगी ऑल इंडिया में, जो इतने सालों में नहीं बढ़ी, ठीक है। और इसके वजह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसमें पुराने सीट में ये सीटें जोड़ जाएंगे तो 10,000 के अप्रॉक्स सीटें पहुँच रही है, 9,780 सीट। तो अगर इसका 2.5 गुना ले रहे हैं तो 24,450 सीट, जो सबसे ज़्यादा मतलब 24,000 तक रैंक वाले को मिलने का चांस बढ़ रही है दोस्तों, जो डाटा बोल रही है। अब कितना सीटें बढ़ती है एक्चुअल उसके हिसाब से वो होगा, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से ये है दोस्तों। मैंने आपको बताया था पिछले 2020 जैसे भी रैंक चला जाता है तो 23,000 रैंक तक आप सेफ हो, ठीक है। मैं ये बताया था 2020 में इजी पेपर था, ठीक है, और 2022 में तो 22,000 रैंक था। अगर यहाँ तक भी आपके रैंक आ रहे हैं तो आपको कॉलेजें मिल जाएगी, और मैं ये आपको बता रहा हूँ लास्ट तक मिलेगा, ये कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया था, इसका भी फ़ायदा मिलेगा। ये भी मैं बोला था कि ऑल इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसका भी फायदा मिलेगा बच्चों को, यहाँ भी एकदम जो सीटें ब्लॉक हो जाती थी 100 के आसपास उसे एक दो नंबर कटअप उससे भी कम रहेगी, ये मैंने आपको प्रिडिक्शन किया हुआ है जो आप बार बार देख चुके हो, ठीक है। और ये मैं अब यहाँ पे 24,000 हो जाएंगे ये, क्योंकि सीटें बढ़ रही हैं तो ये डाटा यहाँ पर चेंज होगा। और एक और चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कितने सीटें बढ़ गई जो मैं इस पर ये प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन मणिपुर, ये इसी एक एडमिनिस्ट्रेशन से 100 सीटें अप्रूव हो गई दोस्तों, कितनी खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। देखिए मणिपुर में अब और बताता हूँ कितने सीटें इंक्रीज हुई है। आप देखिए यहाँ ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देखिए जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 50 सीटें। ये देखिए NMC सेक्शन 2 न्यू मेडिकल कॉलेज पोरबंदर एंड गोधरा, तो यहाँ 200 सीटें ये आ गई, ये ठीक है, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पंजाब इंक्रीज है BBC सीट इन 2 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अप्रूव इन उधमपुर, उधमपुर में 100 MBBS सीटें जो है वो नए कॉलेज खुल गई है, इसे 100 सीटें आ गई है, ठीक है। तो इसका भी फायदा पहुंचेगा क्योंकि ऑल इंडिया में जम्मू कश्मीर इस बार आ रहा है, तो 15 सीटें इसका तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये देखिए छत्तीसगढ़ में 100 सीटें ये अप्रूव हो गई है, तो ये भी आ रहा है आपको। आप देखिए एक और बताया था कि 100 सीटें यहाँ भी यदुपी मेडिकल कॉलेज जो केरला में है यहाँ भी 100 MBBS सीटें का अप्रूवल मिल गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज ये पुणे का है, यहाँ भी इस साल से शुरू हो रहा है, इसको भी अप्रूवल मिल गया है। और एक और चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैसना में है जो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ भी अप्रूवल मिल गया है 100 सीट का, तो ये भी
अच्छी न्यूज है दोस्तों, कितने सारे सीटें मैं बता पा रहा हूँ आपको। देखिए एक और बड़ी खबर है, श्री गंगानगर में पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज अक्टूबर से शुरू होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दे दी मंजूरी और NMC ने मंजूरी दे दिया, तो 100 सीटें यहाँ भी बढ़ गई दोस्तों। तो ये देखिए, अब देखिए नेशनल बॉडी नोट टू 5 न्यू मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, एडमिशन लाइकली टू स्टार्ट दिस ईयर। तो ये 5 अगस्त आज ही का न्यूज है, 5 न्यू मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। आप देखिए दोस्तों कितना सारे सीटें बढ़ गई है, इससे आपकी जो चांसेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि ये सारे चीज़ें और सारे चैनल पे आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देखो जब मेरे पास जब टाइम मिलता है, बहुत टाइम जैसे अभी क्या है जॉब के बाद जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये सारे डाटा इकट्ठा करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो आप लोगों का भी ड्यूटी है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 5 न्यू मेडिकल कॉलेज में वेस्ट बंगाल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है, ये 5 अगस्त का ही न्यूज है, आज के डेट का न्यूज है। 5 न्यू मेडिकल कॉलेज, देखो कितने सारे सीटें बढ़ गई है। और मेरे वीडियो बनाने के बाद आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज, मैंने यही न्यूज आता है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ, उसके बाद यूट्यूबर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, और मेरे पास टाइम नहीं है मैं किसी यूट्यूब के चैनल के देखने का, बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं किसी का देखता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा मेरे बारे में, मैं इंजीनियर हूँ। तो ये देखिए CM एन बीरेन सिंह, यहाँ पे भी एक मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गया है और ये इम्फाल में है, तो ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पे भी 100 सीटें जो है इस साल से शुरू हो रही है। बिहार में 2 नया मेडिकल कॉलेज आना था, लेकिन वो बाय इन तक आएगा, अगर वो अक्टूबर तक हो गया जब काउंसलिंग तक तो अप्रूवल मिल जाएगा, अदरवाइज इसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, वे वेटिंग में है। वैसे 7 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में भी है, अगर वो भी अक्टूबर तक वो भी CA हो जाए तो उसको भी अप्रूवल मिल सकता है। तो ये चीज़ें तो ये तो पेंडिंग है, ये अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इनके चांसेज है। ठीक है, आप देखिए NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल गिव अहेड फॉर यादगीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 100 सीटें, ये है मध्य प्रदेश में। तो नए मेडिकल कॉलेज आपको मैं बहुत सारे बता दिया। ठीक है, और आप देखिए अगर आपको कोई फ्री हेल्प चाहिए, अगर अब्रॉड से करना चाहते हैं तो ध्यान से कहीं अभी, क्योंकि गैजेट आने के बाद बहुत सारे कंट्री, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, मॉरिशस, ये सारे बाहर हो गए, यहाँ आप कर ही नहीं सकते। तो बच्चे को मैं फ्री में गाइड करता हूँ, अगर कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो कहीं भी तो एजेंट से सावधान रहिए। ठीक है, क्योंकि अब्रॉड में बहुत सारे आपको कहीं भी ले जाके ये कर देंगे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको गाइड करता हूँ, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और ठीक है आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। और ये देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था इतने सारे मेडिकल कॉलेज के बाद कि कट ऑफ जो है कम रहेगी। ठीक है ना, और ये जो डाटा एनालिसिस आपको ये दिखाया था, इसी वजह से दिखाया था कि इतने सारे सीटें फर्स्ट टाइम होगा जो ऑल इंडिया में 1000 से ऊपर सीटें बढ़ रहा होगा। अब देखिए मेरा वीडियो आया, बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर आप इसको देख करेंगे, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया आपको। मैंने ये सारे कॉलेज दिखा दिए और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं, अगर न्यूज़ चैनल गलत तो मैं भी गलत। तो आप कुछ सारे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूज़ चैनल जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, रिपोर्टेड है, टाइम्स नाउ, द हिंदू, ये ऐसे तो कोई बात मतलब छापेगा नहीं। और हम लोग को जो मेन माध्यम है वो न्यूज ही चैनल है, जिससे हम लोग को पता चलता है चीज़ें, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो चैनल पे आए हैं नए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक धन्यवाद, बाय, फिर मिलते हैं।